हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन द सेंटर ऑफ मेडिकेट में आपका स्वागत है। मिलेश सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में, लेसन 30, हाउ टू इंक्रीज सोशल मीडिया शेयर इन कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग में सोशल मीडिया शेयर्स को कैसे बढ़ाया जाए, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स, और आज का हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि किस तरह से हम अपने कंटेंट मार्केटिंग में सोशल मीडिया शेयरिंग बढ़ा सकते हैं, ज्यादा यूजर ज्यादा एंगेजमेंट अपने कंटेंट मार्केटिंग पर ला सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में जानने के बाद हम ये भी समझने वाले हैं व्हाई सोशल शेयरिंग इज विजुअल टू सक्सेस, और क्यों कहा जाता है कि जितनी सोशल शेयरिंग रहेगी उतनी आपको विजुअल तरीके से सक्सेस मिलने लगेगी। इसी के साथ हम आपको एक 15 भी बताएंगे जिससे कि आप सोशल मीडिया शेयर्स और कंटेंट को इंक्रीज कर पाओगे, यानी कि अपने कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ 15 वेज ऐसे बताने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली तरीके से अपनी शेयरिंग बढ़ाने लगोगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कैसे हम कंटेंट मार्केटिंग में अपनी सोशल मीडिया शेयरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ टिप्स की हेल्प लेते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया शेयर यहाँ पे बढ़ाना है और आपको ओवरऑल सक्सेस लाना है अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ में, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको सबसे पहले अपना कॉन्टेंट सॉलिड फ्रेश और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका कॉन्टेंट पूरा ओरिजिनल होना चाहिए। साथ साथ ये नहीं, ये डिजेंट मेन पेपर नहीं करता है कि किस प्रकार से ज्यादा लोग आपके नेटवर्क्स में है, इतनी शेयरिंग आपकी हो सकती है लोगों के बीच में। देन इसी तरीके से आपको ये समझना है कि कैसे आप अपनी सोशल मीडिया शेयरिंग, अपने कंटेंट की शेयरिंग को बढ़ा सकते हो किस किस तरीके से। तो इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर एक लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, लोगों के बीच में शेयरिंग बढ़ा रहा है, तो इसी तरीके से हमें भी अपनी कम्युनिकेट और शेयरिंग को निश्चित टाइम पे बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा लोग अपनी आउटस्टैंडिंग को पहुंचाने तक अपनी कंटेंट या अपनी सर्विसेज को पहुंचाने तक की लोगों की हेल्प लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक सही तरीके से सही वे पर ले जा पाओगे। तो चलिए किस प्रकार से हम यहाँ पर सोशल मीडिया शेयरिंग कंटेंट की हेल्प लेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई सोशल शेयरिंग इज विजुअल टू सक्सेस, क्यों सोशल शेयरिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअली सक्सेस हो रही है। तो ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ कंटिन्यू हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर जो है हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, और ये फैक्ट करता है कि इस तरह से स्टैटिक्स यहाँ पे लोगों की शो हो रही है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर आज के टाइम पे बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर हम बोल सकते हैं 2.77 बिलियन यूजर डेली के बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से मोर इम्प्रेसिव 3.01 बिलियन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने कंटेंट को लेके आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर अपनी शेयरिंग करनी चाहिए जिसके तरीके से हम बढ़िया वे में लोगों के बीच में अपने छोटे बिजनेस को लोगों के सामने अपनी ऑनलाइन सेल्स बढ़ा सकते हैं, साथ साथ एक बढ़िया तरीके से अपनी विजुअल सक्सेस ला सकते हैं। सोशल शेयरिंग इज अ जस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉलिड कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी दैट हेल्प यू कंटिन्यू टू ग्रो, यानी कि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी अगर आप लगाते हैं लोगों के बीच में एक इंपॉर्टेंट वे में आप कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी जितना यूज करोगे उतनी बढ़िया तरीके से आपका ब्लॉग या आपका कंटेंट ग्रो करने लगेगा। इसी के साथ आपको एक प्रॉपर शेयरिंग टूल्स की हेल्प भी लीजिए। आज के टाइम पे आपको गूगल पे बहुत सारे सोशल शेयरिंग टूल्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर सोशल शेयर बटन्स को यूज कर सकते हैं जो सही फॉर्मेट में आप अपने लिए लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे 15 वेज हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो आपके लिए सोशल मीडिया शेयरिंग ऑफ कॉन्टेंट में काम करेगी। तो चलिए हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से 15 टाइप्स के सोशल मीडिया शेयर्स हैं जो अपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले। तो फर्स्टली है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑडियंस वांट, यानी कि आपको समझना है कि क्या आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, देन इसी तरीके से सभी चीज आप कर पाओगे। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट, यानी कि सबसे बढ़िया प्लेस से स्टार्ट करने का कि आपकी ऑडियंस क्या है और क्या चाहती है। देन इसी तरीके से इन ऑर्डर पे आपको इंक्रीज करना होगा, सोशल मीडिया शेयरिंग को बढ़ानी होगी, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका जो ऑडियंस है वो किस प्रकार के कंटेंट को जानना चाहती, किस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करना चाहती, उसी तरीके के आइडियाज आपको यहाँ पे लगाने होंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छे भी आइडियाज यहाँ पे लगाने होंगे जिसके थ्रू यहाँ पे नए ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इसी तरीके से गुड आइडियाज कंटेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आप अपने ऑडियंस के लिए सही कंटेंट वाले यहाँ पे लाना होगा। तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में, नीच के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का टारगेट बेस क्या है। जैसे इस एग्जांपल में बात करूं, अगर हम जिम से रिलेटेड यहाँ पर अगर ऑडियंस रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उस हिसाब की ऑडियंस को ही ट्रैक करना होगा, या उस ऑडियंस
प्रोडक्ट्स को ही अपनी स्पोर्ट्रेट के सबसे सेल करनी होगी जो उस जिम से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी सभी चीजों को अपने हिसाब से समझना होगा कि फर्स्टली जिस प्रकार का कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस प्रकार की ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल्स है या फिर बिजनेसमैन है या फिर अलग तरीके के हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा, समझना होगा, देन इसी के बाद हम सही स्ट्रेटजी यूज कर पाएंगे। सेकेंड फेज है ओरिजिनलिटी इज ए की। अक्सर कहा जाता है कि कंटेंट मार्केटिंग में ओरिजिनलिटी बहुत बढ़िया की है आपकी सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। आपको समझना हो कि आपकी जो ऑडियंस चाहती है वो तो आपको दे नहीं, उस सही टाइम पर उस कंटेंट को आपको लोगों के सामने लेके आना है, सोशल मीडिया शेयरिंग पर भी लेके आना है। बट यहाँ पे आपको समझना ये भी है कि द नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी आप चीजें आप जानना चाहते हैं, लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, उस तरीके का सॉलिड पीस ऑफ कॉन्टेंट आपका होना चाहिए। और ये वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसमें ओरिजिनलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं कॉपी पेस्ट करके अपना कॉन्टेंट यहाँ पे लगा दिया और वही ऑडियंस कहीं और से कॉन्टेंट को पढ़ा और आपके पास भी आती है और वही सेम कॉन्टेंट मिलता है, तो यहाँ पे आपके प्लेगजिम तो काम करेंगे ही और साथ साथ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम से आएगी कि बहुत सी ऑडियंस फिर आपके पास नहीं रुकेंगे। तो आपको अपने कॉन्टेंट को ओरिजिनलिटी लेके आना होगा, कुछ इश्यूज को फुलफिल करना होगा जो किस प्रकार से आप अपने कॉन्टेंट के लिए सही चीज लगा पा रहे हैं। आपको ये सभी चीजों बारे प्रोड्यूस करना होगा, कुछ टॉपिक्स में आपको दे रहा हूँ जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि सबसे पहले आउटसाइड द बॉक्स किस प्रकार की ओरिजिनलिटी की हम यहाँ पे लोगों के हेल्पफुल ला सकते हैं, किस प्रकार का कॉन्टेंट लोगों के बीच में रख सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट को लेके आए, साथ ही साथ सोशल शेयरिंग को भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अक्सर कहा जाता है कि आपका कॉन्टेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई पर्सन जब भी ऑडियंस आपकी देखे और वो कॉन्टेंट कंज्यूम करे और साथ साथ और भी लोगों को वो शेयर करे, तो इससे क्या होगा कि आपकी ओरिजिनलिटी तो शेयर होगी होगी और साथ ही साथ आपका कॉन्टेंट भी सही तरीके से लोगों के बीच में प्रमोट होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, ओरिजिनलिटी इज ए की टू यर आपके और कंटेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, थर्ड वे है एड वैल्यू टू कंटेंट। आपको अपने कंटेंट मार्केटिंग में अपने कंटेंट के लिए वैल्यू एड करनी होगी इन ऑर्डर टू हेल्प। आपको सोशल मीडिया शेयरिंग प्रोसेस तो समझनी है, साथ ही ये भी समझना है कि किस प्रकार से अपने कंटेंट को जितना पॉसिबल हो सके एक बढ़िया वैल्यू यहाँ पे लोगों के बीच में प्रोवाइड करवानी होगी जिसके थ्रू कंटेंट आपका ओरिजिनल भी लगे और साथ साथ लोगों के बीच में हिटिंग भी हो कि किस तरह से ऑडियंस आपके सही टाइम पर उस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहती है। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, साथ साथ आप वैल्यूएबल कंटेंट जो कहने तक की कंपोनेंट होता है आपके सोशल सेलिंग के बीच में लेके आने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एड वैल्यूज के लिए मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ कि आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे सम ग्रेट एड वैल्यूज कंटेंट दिए जा रहे हैं जिनके आप हेल्प यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आउटसाइड रिसोर्सेज लिंकिंग, आपको एक आउटसाइड रिसोर्सेज लिंकिंग लगानी होगी अपने कंटेंट में, साथ साथ लिंकिंग टू रिलेवेंट कंटेंट और यन ऑन साइट, और आपकी जो खुद की साइट है उसकी भी एक खुद की लिंकिंग अपने कंटेंट में रिलेवेंट वे में लगानी है। देन इसी के बाद आपको कुछ इंफोग्राफिक्स का यूज करना है, देन इसके बाद कुछ वीडियोस क्लिप का यूज कर सकते हो, फोटो गैलरीज का यूज कर सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट है जो एक बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा आपके ट्रैफिक को लेके आने में और साथ ही साथ आपकी सोशल मीडिया शेयरिंग को बढ़ाने में। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है कि आपके कंटेंट में आप किस प्रकार की वैल्यूज ऐड कर सकते हो इसके बारे में जानिए। चलिए नेक्स्ट है क्रिएट अ कैची इंटरेस्टिंग हेडलाइंस। अक्सर कहा जाता है एक सही हेडलाइंस और कैची इंटरेस्टिंग हेडलाइन होना आपके कंटेंट के लिए बहुत जरूरी आता है। एज ए कॉन्टेंट मार्केटर, एज ए डिजिटल मार्केटर आपको जानना बहुत जरूरी है कि सबसे बढ़िया बेस्ट वे क्या हो सकता है जो आप इमिडिएटली तरीके से आप अपने लिए एक बढ़िया कॉन्टेंट जब यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो किस तरह से हेडलाइंस का इंटरेस्टिंग वे में आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके के रीडर्स चाहते हैं कि उस तरह की आप हेडलाइन यूज कर रहे हो, जैसे भी हेडलाइंस को देखें और तुरंत क्लिक कर दें। तो ये रीजन आपको समझना हो कि किस प्रकार का एक इंपोर्टेंट टाइटल आपका एक एक्स्ट्रा टाइम क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग के लिए होना चाहिए। आपको एक आई कैचिंग हेडलाइंस का यूज करना होगा जिनको लोग एक बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि आपको एक हेडलाइंस मिसलीडिंग या फॉल्स या गलत हेडलाइंस नहीं देनी है कि आप कुछ और हेडलाइंस लिख रहे हो और अंदर कॉन्टेंट कुछ और मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे फिर आपके पेज पर इंप्रेशन कम आता है और आपका पेज भी डाउन होने लगता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि आप जो भी हेडलाइंस लिख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो, आई कैचिंग हो, ज्यादा यूजर्स हेडलाइंस को देखें और तुरंत आपके ब्लॉग को या आपके कंटेंट को रीड करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि किस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं कैची हेडलाइंस को जो आपके कंटेंट के लिए, आपके लिए, लोगों के बीच को कन्वे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ हेडलाइंस आपको बता देता हूँ, जैसे द बिग इवेंट इज कमिंग, इट्स अमेजिंग, इस तरीके का आप पावरफुल कैचिंग हेडलाइंस, इंटरेस्टिंग हेडलाइन यूज करोगे तो आपके लिए, आपके कंटेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गूगल पर आपको ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग हेडलाइंस मिल जाएंगी जिनके बारे में
आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है 5, यूज विजुअल इंटरेस्ट टू योर एडवांटेज। आपको यहाँ पर एक विजुअल इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ फायदे देने होंगे। आपको इमेजेस को अटैच तो करना ही अपनी पोस्ट के साथ में, हमेशा गुड एक आइडिया होता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि आप जो भी नीच के साथ इमेजेस लगा रहे हैं वो किस तरह से काम कर रही है, विजुअल इंटरेस्ट लोगों के बीच में कैसे आ रही है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं कुछ स्टडीज के बारे में या किसी क्लासेस के बारे में और आप इमेजेस लगा देते हैं कहीं और किसी और स्टूडेंट्स की या फिर किस प्ले स्पोर्ट्स खेलते हुए स्टूडेंट की लगाते हैं, तो यहाँ पे इमेजेस कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। तो आपको इस तरीके के इमेजेस लगाना जो विजुअल इंटरेस्ट लेके आए उस एडवांटेज को, कि कोई भी पर्सन या फिर हम बोल सकते हैं ऑडियंस जब भी आपके कंटेंट को रीड करती है और आपने उससे रिलेटेड कंटेंट तो लिखा ही है, बट आपने क्या करा कि उधर पे एक नई इमेजेस लगा दी उस कंटेंट से विजुलाइज करने के लिए कि ज्यादा लोग उस कंटेंट को तो पढ़े ही और इसके बाद विजुलाइज करके इंटरेस्टिंग लाए। तो इसी तरीके का आपको एक हर एडवांटेज लेके आना है कि किस प्रकार से आप अपने कॉन्टेंट में ला सकते हो। इसी तरीके से आपको ये भी समझना है कि किस प्रकार से हम अपने कंटेंट को सोशल मीडिया टूल्स के हेल्प से शेयरिंग कर पाएंगे। तो विजुअल इंटरेस्ट जाना आपके लिए बहुत एडवांटेज रहेगा, किस प्रकार से रिसर्च कर पा रहे हैं एनालिटिकल्स के थ्रू, साथ ही साथ ये सभी चीजें सही इनसाइट के साथ आप यहाँ पर सही एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पोस्ट कंटेंट ड्यूरिंग पीक आवर्स। अक्सर कहा जाता है सही टाइम पे सही कंटेंट आना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ आपके ऑडियंस आपके फॉलोअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि एक सही टाइम पे सही नॉलेज मिलने लगता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी पोस्ट कंटेंट के लिए ड्यूरिंग पीक आवर्स लेके आना है। इन ऑर्डर में आपको समझना है कि किस प्रकार के नेटवर्क आप किस टाइम पर आ रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं हबस्पॉट जिसमें आपको इजिली तरीके से पता चल जाएगा। ऐसे बहुत से हबस्पॉट से रिलेटेड और भी आपको टूल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपका जो कंटेंट है सबसे ज्यादा किस नेटवर्क पर और साथ किस टाइमिंग पर आ रहा है, पीक आवर्स के बारे में आप समझ सकते हैं और उसी से रिलेटेड उस कंटेंट को आप वही टाइम पर डालिए तो पब्लिश कीजिए जिसके थ्रू ज्यादा यूजर्स को आपके कंटेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें तो सैटरडे और संडे 12 PM से लेकर 1 PM तक आप डालोगे या फिर आप 3 PM से लेकर 4 PM के बीच में डालते हो वेनसडे के दिन, और साथ ही साथ इसी तरीके से आप थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन आप डालोगे 1 PM से 4 PM तक, तो यहाँ पे पीक आवर्स आ जाता है। इसी तरीके से टाइमिंग के आप से अपने कंटेंट को चेंज करते रहिए, देन इसी तरीके से पोस्ट करते रहिए अपने सोशल मीडिया शेयरिंग पर, ज्यादा यूजर्स आपके पास आएंगे और साथ साथ पीक आवर्स में हेल्पफुल में आपका ये रहता है कि कोई भी पर्सन जब उस टाइम पे रहता है तो आपके कंटेंट को जैसे ही पब्लिश होता है तो लोग जल्दी से जाकर उस कंटेंट के बारे में समझते हैं कि आखिर में ये नई चीज क्या है, ये किस प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक्स आए हैं। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने खुद के पीक आवर्स होते हैं। जैसे अगर हम ट्विटर की बात करें, अगर ट्विटर की अगर हमें पब्लिश करना है कुछ कंटेंट को तो हमें मंडे टू फ्राइडे तक हमें 12 PM से लेकर 3 PM के बीच में अपने कंटेंट को डाल सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। देन इसी तरीके से हम 5 PM से 6 PM तक वेनसडे के दिन से भी एक पीक टाइम होता है सिर्फ वेनसडे, जिसके थ्रू हम यहाँ पे फ्राइडे के दिन 5 PM से लेकर 6 PM पे डाल सकते हैं अपने कंटेंट को, पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि पीक आवर्स होता है और पीक आवर्स पर सही कंटेंट लेके आना आपके लिए आइडियल ही होगा और साथ ही साथ आपके यूजर के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के बाद अगर हम लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें भी आप यहाँ पे 7:30 AM से लेकर 8:30 AM यानी सुबह मॉर्निंग से लेकर 8:30 तक, देन इसके बाद 12 PM एंड 5 PM 6 PM ट्यूजडे वेनसडे एंड थर्सडे, ये जो 3 डेज आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं ट्यूजडे वेनसडे एंड थर्सडे, ये पीक आवर्स होता है लिंक्डइन का। यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजर्स टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इसी तरीके से आपके कॉन्टेंट को भी देख पाएंगे, पब्लिश हुआ कंटेंट और एक नया कॉन्टेंट जो यूजर्स के बीच में आता है और सही टाइम पर आता है, तो यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे कॉन्टेंट को मिल जाती है, ज्यादा यूजर का इंप्रेशन हमें आ जाता है और एक बढ़िया एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ने लगती है। इसी तरीके से पिंटरेस्ट की हम बात करें तो पिंटरेस्ट पर आप इवनिंग में आवर्स में 12 AM से लेकर 4 AM के बीच में यहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते हो, पब्लिश कर सकते हो एवरीडे हर एक वीक में, और साथ साथ सैटरडे के बीच में अगर आपको करना है कंटेंट तो 8 PM से लेकर 11 PM तक एक पीक आवर्स होता है सैटरडे का। तो आप इस तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहाँ पर पीक आवर्स के थ्रू अपने कंटेंट को सोशल मीडिया शेयरिंग पर कर सकते हो, ज्यादा यूजर्स को लाने के लिए आपको पीक आवर्स का यूज करना होगा। तो आई होप कि आप इस तरीके कंटेंट को जरूर नोट डाउन करोगे। देन इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 7, कंटेंट शुड बी इजी टू रीड। जैसे अक्सर कहा जाता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में रख रहे हैं, कंटेंट बीच में रख रहे हैं, तो वो पूरा ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे रीड कर सके इजीली तरीके से। तो इस सेम से कहा जाता है कि जो राइटर्स होता है कंटेंट को प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली उसको समझना होगा कि किस प्रकार से वो इजी टू रीड कंटेंट यहाँ पे देना चाह रहा है। इन कहने का मतलब है कि किस प्रकार के कंटेंट वो लोगों को दे रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है, एक सही स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे अगर आप लॉन्ग सेंटेंस देते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ देते हैं और कोई हेडिंग भी नहीं दे रहा है, कोई सब हेडिंग भी नहीं दे रहा है, तो इस तरह के कंटेंट को आप जरूर अवॉइड कीजिए क्योंकि ये लंबे सेंटेंस आप दे रहे हैं और लंबे पैराग्राफ भी दे रहे हैं बट आप कोई हेडिंग नहीं देना चाहते हैं, कोई सब हेडिंग नहीं दे हुए, तो सामने वाला पर्सन या सामने ऑडियंस
नहीं समझ पाएगी कि आप किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पे लोगों के बीच में ला रहे हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में दे रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा, एक्चुअली आपको समझना होगा कि किस तरीके के कॉन्टेंट रीडर्स के लिए इजियर हो पाएंगे, जिसको रीड कर पाए और इंटरेक्ट कर पाए। इसी के साथ आपको रिमेंबर लिस्ट, इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स और साथ ही साथ इमेजेस को यूज करना होगा, जो एक बढ़िया तरीके से आपके ट्रैफिक को लेकर आएगा आपके कॉन्टेंट के लिए। साथ ही ऑर्डर्स में आप समझ पाओगे कि किस तरीके के रीडर्स के लिए इंटरेस्टेड जगाएगा और इसी तरीके से नए नए चांस लोगों के बीच में मिलते हैं और वो आपके कंटेंट को शेयर करते हैं अलग अलग नेटवर्क पर और समझते हैं इफेक्टिव तरीके से सोशल मीडिया शेयरिंग किस प्रकार से और भी लोगों के बीच में लेके आता है, नई नई ऑडियंस आपकी कॉन्टेंट को रीड कर पाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका कॉन्टेंट इजी टू रीड होना चाहिए। ज्यादा यूजर्स के लिए एक बोल सकते हैं कि सिंपली टू कम्फर्टेबल होना चाहिए कि वो आसानी से आपके कॉन्टेंट को रीड कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ सब हेडलाइंस नहीं लगाई और पूरा कंटेंट आपने लॉन्ग फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स इस तरह की चीजों को रखोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से आपका कंटेंट भी अच्छा लगेगा और आपके यूजर ज्यादातर आपके कंटेंट को देखना पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट टूल हम बात करने वाले हैं, शेयर कंटेंट मल्टीपल टाइम्स। अब हम कैसे अपने कंटेंट को एक मल्टीपल टाइम्स में लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि अलग अलग आज के टाइम पे बहुत सारे रिलेटेड कंटेंट आ चुके हैं और नए नए न्यूज स्टोरीज हम बोल सकते हैं, न्यूज रिलेटेड बहुत सारे आ गए और ये बहुत क्विकली तरीके से लोगों के बीच में आते हैं। तो आपको भी समझना है कि आपका कंटेंट कैसे एक एवरग्रीन बन सकता है, जिसके थ्रू ज्यादा और सोशल मीडिया चैनल्स पर हर एक डिफरेंट टाइम पर आप अपने कंटेंट को शेयर कर पाए। तो चलिए इसके लिए आपको समझना होगा कि किस प्रकार के आप हेडलाइंस का यूज कर रहे हैं, जो आपके टूल्स का आपने सोशल मीडिया शेयरिंग टूल्स के लिए लगाई और हेडलाइंस को आप समझिए। देन इसके बाद आप क्रिएट कीजिए ग्राफिक पिक्चर्स को। देन इसके बाद आपको एक पॉइंट ऑफ शेयरिंग पर यहाँ पर एक ग्रेट वे में आपको लिखना होगा, सोशल मीडिया शेयर्स पर पोस्ट डालनी होगी और ज्यादा यूजर्स को बताना होगा अपने आर्टिकल्स में। उसी के साथ आप अपने बीच में लोगों के बीच में, अपने ऑडियंस फॉलोअर्स के बीच में अपने कंटेंट को शेयर कर पाओगे अलग अलग टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको टाइम बताया फेसबुक का, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, इसी तरीके से लिंक्डइन का। तो आपको समझना है कि किस प्रकार के कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से आप मल्टीपल टाइम्स पे अलग कंटेंट लोगों के बीच में रख रहे हैं, जिसके थ्रू आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस आपके कंटेंट को देखना पसंद करेगी और साथ साथ आपके बारे में ज्यादा जान पाएगी। चलिए नाइन वे है, यूज अ सॉलिड सोशल शेयरिंग बटन प्लेटफॉर्म। अब हम कैसे एक सोशल शेयरिंग बटन प्लेटफॉर्म का यूज कर पाएंगे, तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सोशल शेयरिंग परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म आप जो यूज कर रहे हैं, पर्सनली डिसीजन लेना होगा कि आप किस तरीके का कॉन्टेंट आप यहाँ प्रोवाइड करें। देन इसके बाद आपको एक सोशल शेयरिंग बटन का यूज करना है जो आपके कॉन्टेंट से मिलता जुलता हो। तो चलिए किस प्रकार के हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, जो आप वर्डप्रेस यूज करें तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि किस प्रकार की सर्चिंग प्लगइन्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, इसी तरीके की चीजों को आपको प्लगइन्स के हिसाब से ऐड करना होगा और सोशल सेलिंग टूल्स की हेल्प लेनी होगी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से अवेलेबल भी है, जैसे कि WP सोशल शेयरिंग है, जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं टूल से, जो आपके एक सोशल मीडिया शेयरिंग बटन पर प्लेटफॉर्म के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन इसी के साथ सोशल मीडिया एंड शेयर आइकॉन से आप इनका भी यूज कर सकते हैं, आइकॉन्स लगा के उनके बीच में लिंक लगा दोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और सिंपल वे में कोई भी यूजर जब आपके कॉन्टेंट को रीड करेगा और सोशल मीडिया शेयरिंग देखेगा तो तब भी आपको फॉलो करने लगेगा। इसी के साथ मैक्स बटन से जो आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से टूल्स प्रोवाइड करेगा, सिंपल सोशल शेयर है, इस पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं जो एक टूल से प्लगइन्स के लिए। देन इसी के साथ सोशल वेफेयर, ये सभी टूल्स जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं और एक सॉलिड सोशल शेयरिंग बटन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में। चलिए नेक्स्ट टूल से, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10 सोशल शेयर बटन शुड बी इजी टू फाइंड। जैसे कि अभी हमने सोशल शेयर के बारे में बात करी, बटन के बारे में, अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि हमारी जो बटन होनी चाहिए वो भी ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू फाइंड हो, लोगों के सामने दिखाई दे। तो आपको इस चीज पर बिलीव करना है कि जो वेबसाइट पर सोशल सेलिंग बटन्स होती हैं वो एग्जैक्टली इजी टू फाइंड नहीं होती किसी किसी वेबसाइट पर। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन इशू आ रहा है, किस तरह की चीजें आ रही हैं, आपको उन बटन्स को एक सही प्लेसेस पर लगाना है, जो लोगों के मोबाइल फोन स्क्रीन पर भी सही तरीके से हो, साथ ही डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी। तो ये प्लेसेस आपको देखना है कि आपकी सोशल सेलिंग बटन किस प्रकार से लोगों के बीच में एक्सेस कर पाएगी और उसमें किस प्रकार की चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप हेडर्स किस तरह का लगा रहे हैं, फुटर्स किस तरह से यूज कर रहे हैं, स्लाइड बार किस प्रकार की आप दे रहे हैं, साथ ही साथ आपका कॉन्टेंट कैसा है, वह वेबलो है या बूथ, दोनों तरीके का है। तो इस तरीके की सोशल शेयरिंग बटन्स का यूज करें। देन इसके बाद आपको एक सही सोशल शेयरिंग को बटन्स को लगाना है जो कंप्लीटली इजी टू फाइंड हो, ज्यादा यूजर्स आपके सोशल शेयरिंग बटन्स को देख पाए और वहां पे भी वो आपको विजिट कर सके। चलिए नेक्स्ट बात हम बात करने वाले हैं, क्लिक टू ट्वीट। अब क्लिक टू ट्वीट ये बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन हो जाता है जब हम लोगों के बीच में अपनी सोशल शेयरिंग बनाना चाहते हैं अपने कॉन्टेंट के लिए। तो एक सॉलिड ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि क्लिक टू ट्वीट है, जो बेसिकली रीडर्स के बीच में स्पिन किया जाता है और साथ ही साथ डायरेक्टली आप ट्वीट कर
कर सकते हैं कुछ आर्टिकल्स के साथ में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ट्विटर यूजर हैं और आपने साथ ही साथ एक बढ़िया तरीके से अपना कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट के बीच में सोशल शेयरिंग बढ़े, तो आप यहाँ पे क्लिक टू ट्वीट करोगे। जितने भी यूजर्स आपके फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं वो भी आपके क्लिक टू ट्वीट्स को करेंगे और इजिली तरीके से ज्यादा यूजर तक प्लगइन्स आपके यहाँ पे आएंगे। तो आप चाहे तो गूगल के थ्रू या सोशल सर्च इंजन के थ्रू भी चूज कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से क्लिक टू ट्वीट कोड पर जाकर और यहाँ पर क्लिक टू ट्वीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूज अ कॉल टू एक्शन, कैसे हम कॉल टू एक्शन का यूज कर पाएंगे जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए रीडर्स के लिए। आप किसी भी प्रकार का कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं बट अगर कॉल टू एक्शन यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे कम चांसेस होंगे कि वो रीडर्स या यूजर्स वापस आपके कंटेंट पर आ पाए। तो कॉल टू एक्शन यहाँ पे आपको समझना होगा किस प्रकार के आप कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, देन इसके बाद आपको ये समझना है कि जो यूजर्स आ रहा है उस तरह का हमने कॉन्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, देन इसके बाद हमें कॉल टू एक्शन का यूज करना चाहिए, स्टाइलिंग लिंक हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, बटन्स को देना चाहिए हमारे कोर्सेज के बारे में कि ज्यादा ज्यादा यूजर्स को हमारे कोर्स के बारे में पता चले, हमने किसी कंटेंट को लिखा है और उससे रिलेटेड हमने कोर्स बनाया और उसी के बाद हमने कॉल टू एक्शन में बटन लगा दिए और वहां पर हमने अपने कोर्स की लिंक दे दी है। जैसे कोई पर्सन हमारे कंटेंट को रीड करेगा देन इसके बाद हमारे कोर्स पर विजिट करेगा तो कॉल टू एक्शन बटन पर जाके विजिट कर पाएगा। तो इजिली तरीके से आपको भी इंक्लूड करना है कॉल टू एक्शन लैंडिंग पेज पर, देन इसी तरीके से आपको अपनी स्पॉट साइट पर भी यूज करना है कि कॉल टू एक्शन बटन जो हम बोल रहे हैं बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है आज के टाइम पे और हर कोई यूजर्स का यूज करना चाहता है। तो आपको भी देखना है कि आपके कंटेंट के लिए किस प्रकार का कॉल टू एक्शन बटन आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑलवेज इंक्लूड स्नैकेबल कंटेंट इन योर रोटेशन। आपको किस प्रकार का एक स्नैकेबल कंटेंट इंक्लूड करना होगा, तो ग्रेट वे हम समझते हैं सोशल मीडिया शेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं इंक्लूड कर रहे हैं उसमें हम इंक्लूड करना होगा स्नैकेबल कंटेंट जो आपके रोटेशन के लिए काम करे, क्योंकि कंटेंट एक की है आपके एलिमेंट के लिए आपके मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। तो आपको समझना है कि किस प्रकार की अटेंशन स्पेन हो रही है, डिक्रीज किस प्रकार से हो रही है, कंज्यूम मीडिया कितना हो रहा है, साथ ही साथ किस प्रकार की हम चीजें और फेवरेबल में ला सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको समझना है कि आपका जो कंटेंट है वो स्नैकेबल है और शॉर्ट कंटेंट किस तरह से इजी टू रीड हो पा रहा है, लोग किस तरह से क्विकली उसको समझ पा रहे हैं, चाहे आप कॉर्ड्स के थ्रू दे रहे हैं या शॉर्ट वीडियोस के थ्रू लोग समझा रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, हर एक कॉन्टेंट के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि आपको समझना है कि आपके कॉन्टेंट आप किस तरह से दे रहे हैं, किस वे में दे रहे हैं। स्नैकेबल कॉन्टेंट होना लोगों के बीच में एक इंटरेस्टेड लेके आता है, वो भी उनका टाइम भी बचा देता है। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि किस प्रकार के किस एरियाज में आप रिसर्च करके और एक इजीली तरीके से स्नैकेबल कंटेंट अपने रोटेशन बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट है 14 शेयरेबल कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। अब किस तरह से हम अपने कंटेंट को शेयरेबल बना सकते हैं आउटसाइड द रिसोर्सेज से हम लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बट आपको एक्चुअली समझना होगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह से बन रही है और इसी तरीके से हमें अपने कंटेंट लोगों के बीच में रखना है। देन हाई क्वालिटी ऑडियंस के साथ में हमें यहाँ पे समझना होगा कि किस तरह से वो हमारी अथॉरिटीज और एक सक्सेसफुली तरीके तक ला सकती है। तो यहाँ पे अगर हमें अपने ऑडियंस अपने विजिटर्स को बढ़ाना है, शेयरिंग करना है कंटेंट के बीच में, तो हमें उनसे रिलेटेड होना होगा, उन्हें जानना होगा, उनको अपने बारे में बताना होगा और उनसे बोलना होगा कि वो और भी फ्रेंड्स अपने फॉलोअर्स जो भी लोग हैं उनके बीच में हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। तो देन इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को लोगों के बीच में आउटसाइड रिसोर्सेज की हेल्प से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट 15 वेज में हम समझने वाले हैं 15 नंबर का बी पेशेंट एंड कीप एट इट, यानी कि पेशेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हो, हर एक चीज को जनरेट कर रहे हो, साथ साथ आपने हर एक टिप्स को फॉलो कर लिया, सोशल मीडिया शेयरिंग भी यहाँ पे आप लेके आ रहे हो, अब आप चाहते हो कि आपका कंटेंट वायरल जाए इजीली तरीके से, तो आपको उस नंबर ऑफ रीजंस का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कंटेंट वायरल भी नहीं होता थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, देन इसके बाद आप इसी तरीके से कंटिन्यू रूटीन के साथ अपने कंटेंट को बनाओगे और ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करोगे तो डेफिनेटली यहां पे ज्यादा लीड जनरेट होगी, सोशल मीडिया शेयरिंग आपकी यहां पे बढ़ेगी, उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपका कंटेंट लोगों के बीच में जाएगा और आपका कंटेंट ज्यादा यूजर्स तक पहुंच पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप पेशेंस के साथ कीप एट इट इनको करते रहिए, देन इसके बाद आप इजीली तरीके से अपने कंटेंट में नए यूजर्स को ला पाओगे। आई होप कि आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम सोशल सेलिंग ला सकते हैं हमारे कंटेंट मार्केटिंग बीच में, हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे ज्यादा यूजर्स को ला सकते हैं। आई होप कि आप इन सभी टिप्स को फॉलो करके देखोगे। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।